कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में प्रेमी युगल ने जहर का सेवन कर अपनी जान दे दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। सीआई अभिषेक पारिक ने बताया कि मृतक रामराज और रणजीता जगदम्बा कॉलोनी में रहते थे, जो पहले से शादीशुदा थे। इस कारण दोनों परिवारों के बीच पारिवारिक झगड़े चल रहे थे, जिससे तंग आकर दोनों ने जहर का सेवन कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जगदम्बा कॉलोनी है, जगदम्बा कॉलोनी के रहने वाले हैं। एक तो रामराज हैं और एक रणजीता है, दोनों शादीशुदा हैं और कल इवनिंग में जो है MBS हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे अननोन पॉइजन खाने से। तो एक की जो पुरुष की डेथ हो गई थी शाम को 5 बजे करीब और लेडीज़ की डेथ हुई है कल नाइट को। प्राथमिक तौर पर जो है जो बात सामने आई है वो ये सामने आई है कि दोनों का आपस में जो है अच्छे संपर्क थे, प्रेम प्रसंग टाइप के संपर्क थे और इन्हीं चीज़ों को लेके आपस में पारिवारिक मनमुटाव की वजह से यह जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या करना प्रथम दृष्टया सामने आया। बाकी सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन। हाँ, पोस्टमार्टम होकर बॉडी परिजनों को दे दी जाए।